वेलकम टू कंसोल भी। आज हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो पहले हम यूजर से दो नंबर के इनपुट्स लेंगे, देन उन्हें एड ऑन कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे वो वर्क करेगा तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं इस क्लास में एक फंक्शन बना लेता हूँ। कैलकुलेट कैलकुलेट सम, हमें इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, जो कि ये मैं कर देता हूँ, इंटीजर ए देन बी। ये तो आर्गुमेंट पे वर्क होगा हमारा। नाउ हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम इसे ऐड ऑन करा पाए। हम इसे यहाँ पर रिटर्न पास कर देंगे। तो चलिए हम हमारे मेन फंक्शन में आते हैं जिसमें हमें अपना इनपुट लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे स्कैनर लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं न्यू स्कैनर करता हूँ। तो इसके अंदर सिस्टम डॉट इन पास कर देता हूँ। नाउ हमारा फंक्शन इनपुट लेने के लिए रेडी हो गया है। तो हमें पहले एक प्रिंट कराना होगा जिसमें हमें लिखना पड़ेगा इंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, देन हमें इनपुट कराना होगा जिसके लिए हमें एक एक्स वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट डॉट इंटीजर, ठीक है, हमें इनपुट इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है इसलिए हम इंटीजर का यूज करेंगे। नाउ हमें प्रिंट कराना होगा जिसमें हमें लिखना पड़ेगा इंटर द सेकेंड नंबर अगेन। नाउ हमें अगेन इनपुट करना होगा बाय वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हमें हमारा कैलकुलेट सम फंक्शन पास कराना होगा मेन फंक्शन में, जिसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसके अंदर मैं अपने फंक्शन को पास करूंगा, कैलकुलेट सम को पास करूंगा, और हमारे जो दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक्स वाई है, जिनके अंदर हमने वैल्यू ली है, हमें उन्हें पास कराना होगा। तो फ्रेंड चलिए आइए अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। नाउ हम इसमें ऐड वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। नाउ तो चलिए अब हम इसे रन कराते हैं। ओके, हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर का इनपुट मांग रहा है, हम यहाँ पर 20 पास करेंगे, देन 50 पास करेंगे। ओके, तो हमारा सम 70 आ गया है। इस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो थैंक यू, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मेरी वीडियोस देखते रहें ताकि आपको फंक्शंस के बारे में और कुछ जानने को मिले।